और ये महर्षि सिद्धानंद भांग पिया करता, तमाखू सूंघा करता, तमाखू खाया करता, हुक्का पिया करता, चाय पिया करता। आज से 150 वर्ष पहले इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के चेलों द्वारा लिखी पुस्तकों में दास आपको यह प्रमाण दिखाएगा। महर्षि दानंद की आत्मकथा दिखाते हैं, इससे सिद्ध हो जाएगा। यू भांग पिए पढ़ा था 1856 में, देखना यह आत्मकथा महर्षि दानंद की। और इसके प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम के सरगंज अजमेर। और ये छपी कहाँ से ये भी दिखा देते हैं, प्रकाशक तो ये वही है, मुद्रक है वैदिक यंत्रालय के सरगंज अजमेर से। इसके 22 पृष्ठ पर दिखाते हैं आप, ये क्या कहते हैं आत्मकथा महर्षि दानंद की, अपने हाथ से लिखी है इसने, बाद में छपी है। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था, भगवान की खोज में था भगवान की खोज में था, नर्मदा नदी के किनारों किनारों जंगलों में घूम रहा है। परमात्मा कोई भैंस थी या गाय थी, बाकी तो बांध रखी उन्हें खोल लिया होगा। परमात्मा वेदों में वर्णित कर रखा है, वेद जिसको कख पता ही नहीं था, अंडे धक्के खांदा अपना जीवन नाश कर गया। और ये था पुण्यात्मा, परमात्मा के लिए भटक रहा था। इसको 13 अज्ञानी गुरु मिले जिनको कख भी पता नहीं था, उनको महान आत्मा मान के उनसे ग्रहण ज्ञान से अपना जीवन नाश किया। और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक बनाकर और छोड़ गया, और जहर भर गया उसमें, उसने खा खा करा कितने के मर गए। इबदास ने खोल कर दिखाया उसका ढक्कन, उसका ताला खोल कर दिखाया, यू ऊपर लिख रखा है देसी घी, अंदर पर रखा गोबर, सत्यार प्रकाश कोई बात हुई है। अब देखिएगा क्या कहता है, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसोज सुदी 2 संवत 1913, यानी सन 1856, आसोज माने अक्टूबर, 1856 अक्टूबर को दुर्गा कांड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश मुझे वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। भांग पी के और कुंठा तो सचेत होगा, नगद चावल तक खाने छोड़ दिए और भांग शुरू कर दी, और योग अभ्यास में तत्पर रहता था। एक मार्ग एक ठूठा, एक लोटा भांग का कटला के बैठ जाता, और ने सोचो बड़ा समाधिस्त हो रहा, और इसका चढ़ी भांग नो मूर्ख बनाया गया, इसका देखो किसा चित्र बना रखा है। ओह ये देखिएगा, ये नो दिखा था बड़ा समाधिस्त हो रहे थे महाराज जी, और नो नो बैठा दिखा भांग के नशे में, लाग कीकर का कड़े बैठ जाता फिर भांग है, और नो का समाधि ला रहा है, या समाधि मार गया हमने इनकी। भगवान तो वेद में लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में, ओम करतु समर कलवे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान का सिमरन करो। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 7 में कहा कि अर्जुन तू सब समय में मेरा ओम नाम का सिमरन भी कर और युद्ध भी कर, काम करते करते जाप करना, सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा पाया उन्हें सब काम करते करते नाम करने का आदेश दिया है। और इसी तरह भगवान मिलता, ये तो बकवादी थे, ना इनको वेद ज्ञान था, ना कोई गुरु ठीक मिले, अपना जीवन नाश कर गए और औरों का और कर गए। तो दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, अब ये सच्चाई ये दिखाकर इनके अज्ञान को सत्य से परिचित करा के ये दिशा देना चाहता, इन तरीकों को छोड़ के जो हमारे वेदों में वर्णित, वास्तविक सदग्रंथों में वर्णित जो यथार्थ विधि है वो ग्रहण करो, आपका जीवन नाश होने से बचाव होगा, आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, और यहाँ भी सुख होंगे और सतलोक में भी जाएंगे, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। अपने आत्माओं, ऐसे व्यक्ति को
ओए होए, एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया हमारे, गठड़ी बांध के फिरे थे उठाए। अब इन सब की पालिश तार दूंगा और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे ना मैं ऋषि थे, ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। महाराज जी, हमने सुना है कि महर्षि दयानंद जी बड़े समाज सुधारक थे, आप जी के क्या विचार हैं? महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे, ये कहे के समाज सुधारक थे, ये स्वयं भांग पिया करता, तम्बाकू खाया करता, तम्बाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता और चाय पिया करता। 100-200 वर्ष पहले हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते और यू उससे पहले भी चाय पीता था। इसका प्रमाण आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा, आर्य समाजियों की करकमलों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्रमाणित करता है दास। देखिएगा महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दिखाते हैं कि वो भांग पीता था, तम्बाकू खाता था, तम्बाकू सूंघता था, हुक्का पिया करता था और चाय पिया करता था। देखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन निर्मल, संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार, प्रकाशक हैं आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये विक्रमी संवत 2028 में यानी सन 1971 में छपी थी। ये है जीवन चरित्र वही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, सहारनपुर में प्रश्नों के उत्तर, यहाँ 302 पृष्ठ पर इसके लिखा है। सन 1877 को मेरठ में ठहरे स्वामी जी पंडित भीमसेन सहित दिल्ली से चलकर 16 जनवरी सन 1877 को मेरठ पधारे और सूरज कुंड पर बनी हुई डिप्टी साहिब मेहताब सिंह की कोठी में ठहरे। यहाँ जो लेखक है वो कह रहा है कि वहाँ पर 10 दिन वहाँ रहे। यह मकान यद्य भी बहुत अच्छा नहीं था, परंतु पहले मकान जैसी कठिनाई आई वहाँ वैसी इसमें नहीं थी। फिर मकान बदल लिया मेरठ में, नहीं थी। भागीरथ और कमल नयन पंडित प्राय जाया करते थे। तो यहाँ इस एक की कोई टिप्पणी है, ये एक नंबर लगाया ना, इसकी टिप्पणी या नीचे है ये। इस स्थान पर यानी जहाँ ये लिखा है, यहाँ पर उर्दू वाले में जो ओरिजिनल, क्योंकि इन्होंने जो आपके समक्ष दास दिखा रहा है ये जीवन चरित्र किसी महापुरुष के द्वारा उर्दू में लिखा गया था और उसी समय लिखा गया था महर्षि दयानंद के 4-5 वर्ष के तुरंत बाद ही, और उसका फिर इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। तो यहाँ छोड़ने की चेष्टा की इन्होंने, पर मालिक ने दया कर दी, लिखवा दिया। इन्होंने बताया कि उर्दू वाले में इस स्थान पर कि ये भागीरथ पंडित और कमलनाथ पंडित जाया करते थे उसे मिलने के लिए, यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है। ये देखो यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है, इस स्थान पर उर्दू संस्करण में जो इसका ओरिजिनल जीवन चरित्र है, स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तम्बाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेदों में कहीं हुक्का पीना लिखा है? अब उस भागीरथ पंडित जी ने वहां उनसे प्रश्न किया कि आप हुक्का पीते हो और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है? और महर्षि दयानंद कहता है क्या वेदों में हुक्का पीना निषेध है कहीं, दिखा मुझे। अरे वाह मेरे से
अपनी बकवाद को आगे डाने के लिए फिर वेद डाल दिए। वेदों में कहता, वेदों में नू भी इतना लिखा मत पियो न फिर इसका मतलब तो क्यों ठेका ले रहा समाज सुधार का, आप बकवाद करे देखो। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि ये जो तम्बाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा, वेद में कहीं निषेध है? नुका वेद में कहीं निषेध है? मना भी तो ना कर रखा, गुरुड़ 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 है, मना भी ना कर रखा। और फिर आगे देखो क्या क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, फिर महर्षि दयानंद ने हुक्का तोड़ दिया, ले तू नाराज है तो तोड़ देता हूँ। अरे सन 1877 तक तो हुक्का पीवे, 1883 में इसकी 6 साल पाँच साल मौत होगी, और इसे नकली का क्या पता, वहां तोड़ दिया गया, फिर पीने लग गया कि वो क्या है, कभी थी कि तय। और 6 साल पहले तक हुक्का पीवे, ये तो प्रमाण है इनका, तो समाज सुधार ने खाक कराया, फिर 6 साल पहले तक हुक्का पाड़ना, ये तो प्रमाण है। बाकी और भी कहीं जावड़े मार ले गुडिस करके दिक्कत थी, जगह जगह के उपलब्ध थे। तो कहने का भाव ये है कि ना तो समाज सुधारक था, आप हुक्का पीवे। और आगे दिखाता हूँ आपको, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है, भागीरथ पंडित जी ने पूछा। स्वामी जी ने कहा, वेद में कहीं निषेध है? साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रखे। इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ, आखिरकार उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो। अब पंडित जी अच्छा इससे ददानंद साधारण आदमी था कि तू सन्यासी होकर हुक्का पाड़े, क्या कहा समाज सुधारक है। स्वामी जी ने कहा कि यदि तू हुक्के से क्रुद्ध होता है तो ले, यह कहा और उसे तोड़ डाला। मेरा था लोग गले पड़े देंगे, तेरी बदनामी करेंगे, उन्हें तोड़ दिया। अच्छा 1877 तक व्यसन कर रहा, सन 1877 तक, 1883 में इसकी मृत्यु होगी, विक्रमी संवत 1940 में समझता। अरे समाज सुधार के ठेकेदार बना रखे इसे नकलियों को। देखिएगा इसी पुस्तक के महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र, जोधपुर में निर्भता पूर्वक धर्मोपदेश 911 पृष्ठ पे, 911 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है, कभी कभी हलवा भी बनाते थे। देखो नित दही का शिखरन इन भोजन एक समय करते थे, जब तक गर्मी की ऋतु रही तब तक नित दही का शिखरन दही इलायची मिश्री केसर धनिया कोटा हुआ बनाते थे, और शीतकाल में या चतुर्मासे में नहीं, कभी कभी हलवा भी बनाते थे, कभी कभी आम का रस बनाते थे। भोजन के पश्चात एक पान खाते थे, या तो भूल रहे थे, हम पान भी खाता था यो, आहा आधा घंटा या पौना घंटा लेट जाते थे। और देखियो नीचे और भी है, बता आम की ऋतु में 2-3 आम खाकर ऊपर से दूध एक शेर के लगभग मिश्री डालकर पीते थे। दड़ी दकेल था अपना, खावा था माड़ फैला था डंड, आयु मन में लिख दी संस्कृत जाने था, हमारे पूर्वजों ने सोचा बड़ा विद्वान पुरुष है, सारी साची लिखी होंगी, पान यू खावे अनुका शेर के लगभग दूध एक कप पिया करता, यू पीजा 3 दड़ी, ये तो पूरा डिल डॉल शरीर का। फिर इतना खनिया आदमी महर्षि हो सके, योगी हो सकता है? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, प्रथम अंदर संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। इतना जैसे गीता जी में लिखा है अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में के अर्जुन, यह योग ना तो अधिक सोने वाले का, ना अधिक जागने वाले का सफल होता, ना बिल्कुल न खाने वाले का, यानी कति ना खाओ व्रत कर ले, और ना अधिक खाने वाले का ये सफल नहीं हो सकता। अभी इतना भी नहीं खावे दड़ी पक्का पी के शेर डेढ़ शेर दूध हैं, और फिर अंगड़ाई टूटेंगी सोएगा, और योग कर सकता है, और उसमें मिला के सारा सौदा। तो कहने का भाव ये, प्रथम अंदर संयम रखे, योग युगत सब सतगुरु रखे। और उसको ये मूर्ख बताया करता परमेश्वर कबीर जी को, दयानंद जी है तेरा के भी। ये देखिएगा जीवन चरित्र वही महर्षि दयानंद का,
सरस्वती, और ये कहा मिर्जापुर की घटनाएं। और प्रश्न नंबर 208 पे एक तो ये दिखाओगे वर जमाने क्या होता है। देखिए अब यहाँ नीचे दिखाते हैं, ये कहते हैं स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति इस पाषाण के लिंग से हुई होगी। हम तो अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, कोई विवेचन चल रहा था और कोई वहां गया था, स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलांस की थी और एक और पत्थर पर खाने का तमाखू रखा था। और क्या बताया, छोटू गिरी वह उठा कर नाक में भरने लगा। स्वामी जी ने कहा कि यदि सूंघना है तो इस डिबिया को लो, परंतु उसने न लिया। सूंघना है तो यू ले ले और खाना है तो दूसरा ले ले। खाने की भी धर रहा था तम्बाकू खाने की और सूंघने की। अन्यों का यू वो था समाज सुधारक, यू था समाज नाशक था। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश था, सत्यार्थ प्रकाश नहीं था, सत्यानाश प्रकाश था। अब देखिएगा महर्षि दानंद नंगे भी रहा करते, यानी इसने कोई आर्डर नहीं थी क्या है की भी, एक बंडेला टाइप आदमी था। यो जीवन चरित्र वही महर्षि दानंद सरस्वती का। और यो है चक्रातिकों का कुछ चक्कर निष्क्रिय कर दिया, 85 पृष्ठ पे इसकी यही पुस्तक है। अच्छा यहाँ लिखा है इस विषय में पंडित ज्वाला प्रसाद गौड़ पिलखनी निवासी जिला बुलंदशहर वर्णन करते हैं कि पहले पहल मुझे स्वामी जी के दर्शन करणवास में वैशाख मास संवत 1924 में हुए, सन 1867 में, वहाँ गंगा के तट पर स्नान करके नंगा बैठे हुए थे। जय हो मैं ऋषि जी की। देखते रहिए, इसके सारे कारण में दिखा दूंगा। ये देखिएगा ये कर्णवास की घटनाएं, स्थानों की घटनाएं, ये वह जीवन चरित्र महर्षि दानंद सरस्वती। और प्रश्न नंबर 99 पर क्या लिखा है कि अंगन लाल शर्मा तथा राम साहेब शर्मा गौड़ डिबाई निवासी ने वर्णन किया है, दिसंबर 1871 की रात थी, 1971 में कर्णवास से। इधर देखो यहाँ नीचे आ गए, ये गए वहां पर है। उस समय वो उसके पास गए रात में, उस समय रात को 1.5-2 घंटे तक हम दोनों स्वामी जी के हाथ पांव दबाते रहे। इन दोनों भी स्वामी जी नगन रहते थे। 1871 तक भी योगति नंगा रहता था और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, तेरा गजब भैया। आगे देखो इसके प्रश्न नंबर, जो कायमगंज में शास्त्र तर्चा 121 पृष्ठ पे, इसमें क्या लिखा है, जब हम लोग ये पंडित गंगा प्रसाद जी कन्या कुब्ज रईस कायमगंज ने वर्णन किया है कि स्वामी जी यहाँ 2 बार आए, संभवतः 4-5 वर्ष के अंतर से। फिर कहता हम जब हम लोगों को सूचना मिली कि एक परमहंस जी आए हैं तो हम लोग दर्शन को गए। जब रोटी का समय हुआ तो लोगों ने कहा कि महाराज जी स्नान कर डालियो क्योंकि भोजन का समय हो गया। कहने लगे कि मेरे पास एक लंगोट के अतिरिक्त और कुछ नहीं और यहाँ माइयाँ स्त्रियाँ आती जाती हैं और जब तक लंगोटी नहीं सूखती हम दूसरी कोई चीज़ धारण नहीं करते, इसलिए यहाँ हम स्नान के पश्चात नगन ही ठहर सकते। वाह रे देवता, नौके त्यागी विरागी हो गया, एक लंगोट रखता था ओनली एक लंगोटी कोपीन, अरवन कहते ना कर सुखा दूंगा, जब यह सूख लेगी सन बांध कर जाऊँगा, दूसरी ना रखता तब तक नंगा बैठा हूँ, ना कर सुखा रखी है। वाह रे समाज सुधारक, ये देखिएगा फिर 129 पर फिर यही समाज यही प्रकरण है, ये इसी का समर्थन है 129 पृष्ठ पे।
ये फरुखाबाद में विविध कार्य है, ये वही है जीवन चरित्र स्वामी दयानंद का, और 129 पृष्ठ पे हम यहाँ आते हैं। ये है कि कहा चेतन ही करोड़पति क्यों न हो, स्पष्ट कह देते हैं कि तुम इस दुष्टता को छोड़ दो। स्वामी जी उन दिनों फूस से शरीर ढांप लेते थे और हाथ पहुंचने के लिए एक मिट्टी का ढेला पड़ा था रहता था। कोपिन केवल एक ही थी, दूसरी नहीं रखते थे। एक उलास की पुड़िया थी, क्योंकि उलास सूंघा करते थे और कौन सा नुमाइश में दिखाने न रखा था, सूंघने खातिर दरिया करता अपने आत्मा। यहाँ तो स्वामी जी कति नंगे बैठे कोपिन रखें, धोके सुखा दें, कति नगन हो जाते, नहीं वस्त्र रहा करते थे जब तक वह सूख ना जाती। हुआ प्रमाण हरीब दिखाता हूँ, ये पूरे इसका पता ही नहीं किस टाइप का आदमी था, वह नंगा बैठा है। अब दिखाता हूँ इनका जीवन चरित्र, बोला सिर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, फिर सब कुछ पहन कर सज धज कर गले में घड़ी लटका गए और चला टोरते। दिखाता हूँ, अब हमने पुस्तक दूसरी उठा ली, नव जागरण के प्रोधा, वो जीवन चरित्र रख दिया स्वामी दयानंद सरस्वती, लेखक है भवानीलाल भारतीय, एमए पीएचडी, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दयानंद, चेयर ऑफ वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा दयानंद आश्रम के अजमेर। और ये छपी कहाँ से है, उन्हीं ने छापी है, ये वही है प्रकाशक, प्रथम संस्करण है स्वामी दयानंद सरस्वती का, प्रथम निर्वाण शताब्दी यानी 1983 में छपी है, 1983 की छपी हुई समझ लो, 1983 की उत्तरवी। और यहाँ देखो प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा दयानंद आश्रम के सरगंज अजमेर, मुद्रक ये हैं सतीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक वैदिक यंत्रालय अजमेर। इसके 381 पृष्ठ पहले चलते हैं आपको, ये देखिएगा 381 पृष्ठ, 381, ये है शास्त्र प्रचार के लिए वैदिक यंत्रालय, ये कोई प्रकरण है इनका, उसमें लिखा है। ये देखो अश्वनी, ये 381 पृष्ठ पे, अश्वनी द्वितीय पूर्णिमा 1936 विक्रमी तदनुसार अक्टूबर 1879 में इनकी मृत्यु होगी 4 साल के बाद, गुरुवार को सायं 6 बजे के वे 6 बजे दानपुर पहुंचे। उनके साथ पंडित भीमसेन, पंडित देवदत्त, एक अन्य पंडित एवं साधु तथा एक सेवक था। आर्य समाज के सभासदों के अतिरिक्त सैकड़ों लोग उनके दर्शनार्थ एवं स्वागत हेतु स्टेशन पर उपस्थित थे। जिस समय महाराज गाड़ी से उतरे उस समय उन्होंने किनारीदार धोती तथा किनारीदार दुपट्टा धारण कर रखा था, सिर पर रेशमी कोट, रेशम का कोट पहने थे, शरीर पर रेशम का कोट पहने थे जिसमें चैनदार घड़ी लगी हुई थी। उन्हें बाबू माधोलाल के घर पर लाया गया, जहां स्वामी जी ने चाय के साथ कुछ अल्पाहार किया। यहाँ वहां तो नंगे बैठे हैं, अरे सन 1879 में सिर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, और तेरा क्या कहना। अब यहाँ ये सांग जोड़ रहे हैं, किनारीदार धोती, किनारीदार दुपट्टा, रेशम का रेशमी कोट, घड़ी लटका रखी मैं ऋषि जी ने, अर्णों के फिर चाय पी उन्हें, हे भगवान हे परमात्मा। तो ये थे वो मैं ऋषि, जिसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया, सैकड़ों बार और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश था, कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। क्रोथा कांड इस दयानंद की देन थी, वह दयानंद का ज्ञान दास ने दिखा दिया,
और जो दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश और वेदों को बेचकर रोजी रोटी चला रहे थे आचार्य, उनको ये समस्या पैदा होगी कि ये थी अन्य आर्य समाजियों को, तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया, तुमने धिक्कारेंगे कि हमने यो अड़ंगा बेचा करते, तुम ऐसा मिसगाइड कर दिया। तो उसको छुपाने के लिए क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करवाया महर्षि दयानंद के चेलों ने।